आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कपबोर्ड की ऑटोमेटिक लाइट। जैसे ही हम कपबोर्ड खोलते हैं ये ऑन हो जाती है, और जैसे ही हम कपबोर्ड बंद करेंगे ये ऑफ हो जाएगी। तो चलो इसको आज बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे ऑटोमेटिक लाइट्स फॉर वार्डरोब या कपबोर्ड के लिए। तो इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब अपने घर पर सुरक्षित रहें और सेफ रहें, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का टाइम अभी चल रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक LED की जरूरत होती है, एक 3 इलेक्ट्रोड वाले स्विच की, एक स्मॉल से बल्ब की, और एक स्विच की और एक बैटरी की। तो चलो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका सेटअप देखते हैं, ये कैसे बनता है। तो बैटरी से एक तार स्विच की तरफ जाती है, बैटरी से पॉजिटिव की तार आप स्विच की तरफ कर लेंगे। उसके बाद बैटरी से निकल के ये जाएगी सी में। इस स्विच के ऊपर नाम दे रखे होते हैं CNONC। इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि इसका क्या मतलब होता है, बस आपने इसको सेटअप कर देना है। इससे स्विच से एक तार गई सी में, फिर इसके बाद एक तार NC से गई LED में कि ये पॉजिटिव की, और फिर नेगेटिव की ये वापिस चली गई बैटरी में, और इसकी रह गई NO की तार। तो NO की तार निकल के यहाँ से गई इस LED की पॉजिटिव में, और इसकी नेगेटिव LED की तो बैटरी में गई। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये कैसे काम करता है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपने वार्डरोब खोल दिया। अगर वार्डरोब आपने खोला तो ये जल जाएगा। उसके बाद इसका मतलब ये कैसे काम कर रहा है कि जैसे आपने ये वार्डरोब के अंदर लगा रखा है स्विच, अगर आप इसको यूं वार्डरोब खोलेंगे तो ये फ्री हो गया, तो फ्री हो गया तो ये LED अंदर जल गई, और जैसे आप वार्डरोब बंद करेंगे तो वार्डरोब बंद करते ही इस पे प्रेशर लगेगा तो ये बंद हो जाएगा ऐसे। तो ये बाहर आप इसको वार्डरोब के बाहर लगा सकते हैं, और इस क्लोज लिखा आ रहा है मतलब कि ये अब ये क्लोज है वार्डरोब, और जैसे आप वार्डरोब को खोलेंगे तो ये स्विच ऐसे रिलीज हो जाएगा और ये लाइट LED अंदर की जल जाएगी, तो वार्डरोब में भी उजाला हो जाएगा। तो ऐसे ये काम करेगा स्विच। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा सेटअप। तो आप अपने घर पे करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।